फाइनली हमनी के तैयार होके अब मंदिर ला निकले वाला बानी, निकल ही गेल गेल बानी सा। अब पहले हनुमानगढ़ी जान सा, ओकरा बाद फिर राम मंदिर। तब सबसे पहले यहाँ एक बार जयकारा, जय श्री राम। फाइनली हम लोग हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए। रास्ते में हम लोग बहुत मस्ती करते हुए जा रहा था, क्योंकि हम लोग अयोध्या आके बहुत खुश था और मम्मी भी बहुत खुश थी। हम लोग थोड़ा दूर आगे जब गए तो वहाँ पे सब कोई टीका लगा रहा था। हम लोग वहाँ पे जय श्री राम का टीका लगवाए और यहाँ पे साजन भी टीका ही लगवा रहा था और ये ज्योति देखिए कितना खुश है टीका लगा कर। फाइनली हम लोग सब कोई टीका लगा के मंदिर की ओर चल दिए, जहाँ पे हम लोग को दिखा मिठाई का दुकान, जहाँ से सब कोई मिठाई ले रहा था। हम लोग भी मिठाई लेकर भगवान के दर्शन करने आ गए, लेकिन वहाँ मोबाइल अलाउ ना होके के कारण हमनी के भगवान जी के ना देखा पैनी। पीछे के रास्ता से हमनी के राम जी के मंदिर के गुम्बद दिखाई देलक। ओकरा बाद हमनी के राम मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। निशा रास्ते में एगो प्यारा सा चीज़ मिलल, जौल देखावत नहीं, ई बंदर मिलल। ओकरा साथे हमनी के बहुत सारा मस्ती कैनी, हमर बउआ भी बहुत मस्ती कैली। मस्ती कैला के बाद मतलब थोड़ा देर ना, बहुत देर मस्ती भेल। अब हम लोग राम मंदिर गेट के सामने आ गए थे, जहाँ से हम लोग को अंदर जाना था। यहाँ पे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था देखकर। उसके बाद हम लोग अंदर आ गया, जहाँ से मंदिर जाने का रास्ता। ए रुका तुहे बोलबू। ठीक है, आप ही बोलिए। ओकरा बाद हमनी के भीतर गेनी सा, जहाँ से मंदिर जाए के रास्ता रहे। और वहाँ गेला के बाद चारों तरफ देख के ऐसा लागत रहे, मतलब एक अद्भुत नज़ारा। यहाँ से आगे जस्ट थोड़ी दूर पे ही मंदिर है और काफ़ी आज कम भीड़ है। ठंडा की वजह से आज पहली बार धूप भी निकला है और ठंडा को नहीं देखते हुए हम लोग भगवान राम के दर्शन के लिए आए और काफ़ी खुशी मिल रही है यहाँ पे आके। एक अलग ही माहौल भक्तिमय टाइप का है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया का सारा सुकून यहीं पे है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, मतलब इतना सुकून। हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के बाद डायरेक्ट हम लोग जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन करने, जिसके लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाऊंगा और उसके आगे अगर मिला मोबाइल अलाउ नहीं हुआ तो इसके लिए अब पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, इस पेड़ के नीचे भी लाइटिंग किया हुआ है जो रात को बहुत अच्छा हार्ड लगता है। बेस्ट साधन है और रहा मंदिर आपको दिखाते हैं, एक बार देखिए बीचों बीच मंदिर। यहाँ हम लोग सब आदमी अपना अपना जो सामान लाया था वो सब चेक हुआ। चेक होने के बाद यहाँ पे पता चला कि हम लोग मोबाइल नहीं ले जा सकता है, इसलिए हम लोग सब कोई मोबाइल जमा करवा के भगवान के दर्शन के लिए आगे चले गए। फाइनली भगवान का दर्शन हो गया था और हम लोग बाहर आ गए, जहाँ पे दिखा हम लोग को सिंदूर सब कोई ले रहा था। हम लोग भी सिंदूर लेने लगे क्योंकि धाम से सिंदूर लेकर ही जाना चाहिए। ये प्रसाद है, प्रसाद यहीं पे आइएगा अयोध्या तो यहीं प्रसाद आपको मिलेगा इस मंदिर में। और ये जहाँ तक हम बताए थे कि यही मंदिर का प्रवेश द्वार है, इसके अंदर मंदिर था, काफ़ी अच्छा था और भगवान का मूर्ति देख के काफ़ी दिल में मतलब प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा कि दुनिया का सारा सुकून उस मंदिर में ही है। अब हम लोग वापस चलते हैं रूम पर, रूम पर सिर्फ थोड़ा सा आराम करके फिर घूमने को निकलेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग आराम करके फिर मंदिर के दूसरे तरफ निकल गए और वहाँ पे हम लोग को एक बहुत क्यूट सा बंदर दिखा जो कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था, जिसके साथ हम लोग बहुत मस्ती की बंदर के साथ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बउआ ने बबल्स खरीदवाई और वो वहाँ पे खेलने लगी। लगभग 10 मिनट तक बउआ वहाँ पे खेलती रह गई बबल्स के साथ और हम लोग उसके बाद आगे चले गए सरयू नदी के पास। सरयू नदी के किनारे और हमने के सवा दिन नहाए ला तैयार हो गल बानी सा। तो के नहाए वाला बा बताओ तनी, ये बउआ नहाई, रवि रंजन नहाई और आप नहाइएगा कि नहीं? हमको नहीं नहाना। क्यों नहीं?
अच्छा ये नहीं नहा सकती है, हमको ठंडा से डर लगता है। बाबा नहाने के लिए तैयार है तो नहा के फिर मिलते हैं नहाने के बाद। नहाने के बाद हम लोग सबको बहुत जोर से भूख लगा था, वहाँ पे भंडारा चल रहा था तो हम लोग सबको वहाँ पे गए और वहाँ पे भंडारा मिल रहा था। भंडारा में मिला चावल और छोला जो बहुत टेस्टी था। सब कोई भंडारा खाने के बाद हम लोग लता मंगेशकर चौक चले गए घूमने, जहाँ पे राम जी के गाने पर बहुत लोग डांस कर रहे थे तो हम लोग भी देखने लगे। बहुत देर तक देख रहे थे और देखकर बहुत मज़ा आया डांस, और उसके बाद हम लोग भी वो डांस देखकर अपने आप को नहीं रोक पाए और हम लोग भी वो डांस में शामिल हो गए और हम लोग भी बहुत देर तक वहाँ पे डांस किए। पूरा फैमिली लोग हम लोग वहाँ पे डांस किए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा डांस करके। लगभग हम लोग 10-15 मिनट तक वहाँ पे राम जी के गाने पर डांस करते रह गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिटार बना हुआ है जो यही गिटार के नाम से जो ये चौक का नाम रखा गया है, लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे जब हम लोग डांस करने लगे तो यहाँ पे बहुत लोग आकर यहाँ ये डांस में शामिल हुआ और वो लोग भी हम लोग के साथ डांस करने लगे और हम लोग सबको मिल के डांस किया। बहुत अच्छा लगा डांस करके। जो भगवान के नाम पे जो गाना था ना, वो गाना सुन के बहुत दिल को बहुत सुकून आया कि इतना अच्छा गाना पे हम लोग कभी डांस नहीं किया हुआ था, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम ये भगवान के धुन पे हम लोग डांस किया है और बहुत मज़ा आया डांस करके। इसमें मेरा बउआ भी देखिए पीछे नहीं हटा, वो हम लोग से आगे ही डांस करने लगा और उसका डांस देख कर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग लगातार 10-15 मिनट तक डांस करते रह गए। भगवान का धुन इतना अच्छा था कि खुद को रोक नहीं पाए और नाचते नाचते सब कोई थक गया है और फिर भी वो लोग अभी तक डांस कर रहा है। और हमारी दीदी और सब आदमी यहाँ, लता मंगेशकर चौक है ये, और लता मंगेशकर चौक के ये जो गिटार बना हुआ है काफ़ी एक सुंदर सा नज़ारा है, इसको देखने में बहुत मज़ा आता है। और देखिए पीछे लोग अभी तक डांस में राम नाम के धुन में पूरा डांस करने नहीं जान रहे आप। ओकरा बाद आ गनी हमनी के दशरथ महल देखे, जहाँ राम जी के बचपन गुजरे रहे। तो यहाँ घूमला के बाद हमनी के सीधे गनी सब बनारस। तो अगला ब्लॉग में बनारस के बारे में देखें। तो फिलहाल चैनल के सब्सक्राइब कर ला। लव यू।